हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ LAD और SDP मेजर लीग बेसबॉल के बेसबॉल मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम ने किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ साथ बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में, और दोस्तों जो आपको फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। हम आपको स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग इन सभी की टीमें प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी दोस्तों आपकी रिस्पॉन्स के ऊपर हुआ, आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा खासा रहता है तो दोस्तों मैं कन्फर्म आपको GL प्लस SL प्रोवाइड करूँगा, और आपका जो रिस्पॉन्स है वो डाउन रहता है तो मैं आपको स्मॉल लीग की टीम तो कन्फर्म प्रोवाइड करूँगा ही करवाऊँगा। दोस्तों मैं इसको ओपन करूँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा LAD के बारे में। तो LAD ने दोस्तों अभी तक 141 मैच प्ले किए हैं, जहाँ पर 88 में विन और 53 में लॉस का सामना किया। तो पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छी खासी टीम है, और इस टीम से मैं काफ़ी अच्छी खासी प्लेयर उठाकर चल सकता हूँ। मैं वही बात करूँ SDP के बारे में, तो दोस्तों SDP ने 139 यानी कि 139 मैच प्ले किए, जहाँ पर 75 में विन और 64 में लॉस का सामना किया। तो पता चल रहा है ये भी काफ़ी अच्छी खासी टीम है। तो बात की जाए कि हम इस मैच में क्या कुछ कॉम्बिनेशन रखें, तो 9 प्लेयर का जो कॉम्बिनेशन हो इस मैच आप 4-5 या फिर 5-4, ये दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई कर के चल सकते हैं स्मॉल लीग के लिए। बाकी जो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन होंगे उसमें आप 7-4 या फिर 4-7, ये कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। तो टीम के बारे में आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको दोस्तों इसी ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं ड्रीम टीम दूँ, उससे पहले मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी टीम बनाता हूँ टेलीग्राम पर। तो मैं इसको ओपन करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी टीम में किस ऑफील्डर, किस इनफील्डर, किस पिचर, किस कैचर, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक कर देख लेनी है, तो वीडियो एंड तक देख लेना, आपका ये फायदा होगा कि आपको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। तो दोस्तों मैं टीम तो आपको दूंगा, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं टेलीग्राम को ज्वाइन करके टीम लेता हूँ, बाकी दोस्तों थोड़ी बहुत नॉलेज भी ले लीजिए। तो फील्डर स्टार्ट करेंगे बैट्स के बारे में, तो बैट्स आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन दोस्तों इस मैच के लिए, और काफ़ी अनुभवी प्लेयर भी। आप चाहें तो अपनी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में इन्हें वो इस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं, पिछले काफ़ी मैच काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस में है और काफ़ी अच्छे से पॉइंट कलेक्ट भी कर रहे हैं। तो बिना किसी टेंशन के मैं इस प्लेयर को अपनी टीम के लेकर चल सकता हूँ। दोस्तों मैं बात करूँ नेक्स्ट यानी कि टेलर, दोस्तों टेलर काफ़ी अच्छा सा प्लेयर दोस्तों, पिछले मैच का परफॉर्मेंस डाउन जरूर था, लेकिन दोस्तों इनको अपने बिल्कुल टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी भरोसेमंद प्लेयर है और काफ़ी पुराना प्लेयर भी, इनकी एक्सपीरियंस प्लेयर है। दोस्तों ग्रीसम भी आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक चॉइस है, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस डाउन के कारण इनको अपनी टीम से ड्रॉप रखा है। पोलक भी दोस्तों आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस है। मैकिन के बारे में बात करूँ तो मैकिन दोस्तों मैंने इसलिए अपनी टीम के लिए उठाया क्योंकि जिनका सिलेक्टेड परसेंटेज हुआ वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलता है, मिलने वाला है, क्योंकि जो आपका अपोनेंट होगा वो मेजोरिटी लेवल पर या इन पॉइंटों को देखकर अपनी टीम बनाएगा, क्योंकि बेसबॉल की नॉलेज है वो काफ़ी कम बंदों के पास है। और मैं आपको ऐसे टीम प्रोवाइड करूँगा जिससे दोस्तों आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर पहले क्यों नहीं टीम ले रहे थे। तो आपको दोस्तों काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट होने वाला है इस मैच में। बाकी दोस्तों स्टैट के ऊपर होगा, एनालिसिस करूँगा, और एनालिसिस करने के बाद आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पर। तो टीम के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोफर के बारे में बात करूँ तो प्रोफर का प्रोफरेंस ज़्यादा अच्छा खासा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 4 पॉइंट भी बेसबॉल मैच के अंदर काफ़ी अच्छे खासे मैं तो मानता ही हूँ, क्योंकि हर प्लेयर को यहाँ पर भी मौका नहीं दे सकता, आप दोस्तों बेसबॉल का टी10 भी कह सकते हैं। इनफील्डर बताऊँ दोस्तों टैटिस, इस मैच का दोस्तों काफ़ी भरोसेमंद भी प्लेयर है, लेकिन दोस्तों इनका परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन डाउन चल रहा है, इसलिए दोस्तों मैंने इनको अपनी टीम में इसीलिए उठाया क्योंकि ये दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक धोनी है दोस्तों, फिलहाल दोस्तों डाउन जरूर चल रहा है लेकिन एक पुराना शेर है। तो दोस्तों फर्नांडो टैटिस को आप अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं, वो भी एज अ प्लेयर, बाकी कैप्टन और वाइस कैप्टन को बिल्कुल भी नहीं बनाना है, लेकिन दोस्तों जो अदर्स प्लेयर्स होंगे वो मेजोरिटी लेवल पर जाएंगे और टैटिस को अपनी टीम का कैप्टन रखेंगे, और आपका अपोनेंट होगा वो टैटिस को ही कैप्टन बनाकर रखेगा, आप ये चीज़ देख लेना। दोस्तों ट्रिया टर्नर के बारे में बात करूँ तो ट्रिया टर्नर भी दोस्तों इस मैच में इनको अपनी टीम में कैप्टन रखने वाला हूँ, मैं आपको बैट्स को भी अपनी टीम में कैप्टन रख सकता हूँ, और दोस्तों ट्रिया टर्नर को भी अपनी टीम में कैप्टन रख सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही चॉइस मेरे लिए काफ़ी अच्छी खासी है। मैं बात करूँ दोस्तों मुंशी के बारे में, तो मुंशी दोस्तों इनका परफॉर्मेंस पीछे तो काफ़ी खतरनाक लेवल पर था, काफ़ी पीक पर था इनका परफॉर्मेंस, लेकिन पिछले कुछ मैच ऐसा डाउन गया दोस्तों कि आपको देखने को मिल रहा है कि 0-0, 6-6, 5-5 यानी पॉइंट कलेक्ट करें, ये पॉइंट कम नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसे जैसे प्लेयर के लिए मैक्स मुंशी के लिए काफ़ी कम प्लेयर हैं, तो दोस्तों काफ़ी डाउन परफॉर्मेंस में है, इसलिए दोस्तों आप इन्हें अपनी टीम में कैप्टन और कैप्टन बिल्कुल भी मत बनाइएगा। बाकी स्टैट के ऊपर होगा, एनालिसिस करूँगा, और एनालिसिस करने के बाद देखूँगा कि कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस में है, उसके बाद टीम बनाऊंगा और आपको फाइनल टीम दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप दोस्तों पैसा जीतना है तो आप विजन 11 पर प्ले करिए, दोस्तों विजन 11 पर बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, और विजन 11 के पास नहीं है तो आपको टेलीग्राम पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाएगा, आप विजन 11 पर प्ले करिएगा, आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
मकाड़ों के बारे में बात करूँ तो मकाड़ो दोस्तों आपके लिए ठीक ठाक और बढ़िया चॉइस है। ठीक ठाक भी नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि जो उनका परफॉर्मेंस था दोस्तों पिछले कुछ मैचों से काफ़ी डाउन डाउन चल रहा था, आपको देखने को मिला कि काफ़ी डाउन का परफॉर्मेंस गया। उसके बाद दोस्तों उनका परफॉर्मेंस एकदम इतने ऊपर आया कि जो इनका सिलेक्टेड परसेंट था वो 80+ के पास जाने लगा। इसलिए दोस्तों मेरा मन है कि इन्हें सिर्फ आपको सिर्फ एज अप लेके चलना है। अगर इनका सिलेक्टेड परसेंट 50 के नीचे रहता है तो आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चल सकते हैं। अगर दोस्तों 80 के आसपास रहता है तो आपको दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल भी नहीं बनाना है, सिर्फ अपनी टीम में एज अप लेके आपको चलना है। पिचर के बारे में बात करूँ तो पिचर दोस्तों मैंने स्नेल को ट्राई किया है, क्योंकि पिछले मैच का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का था। और दोस्तों मैंने स्नेल का जो स्टैट है उसको चेक किया, काफ़ी अच्छे स्टैट निकाले, एनालिसिस किया और मुझे लगा था कि जो स्नेल है वो 15+ पॉइंट कवर कन्फर्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन इतने पॉइंट कवर करेंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। और मैंने अपनी दो टीमों में कैप्टन भी रखा तो इस मैच में जिसने पैसा लगाया उसने अच्छा खासा विन तो किया ही होगा। तो दोस्तों स्नेल के बाद मैं बात करूँ कैचर के बारे में तो नोला दोस्तों इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, लेकिन ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस था, 4 पॉइंट कलेक्ट किए। और बेसबॉल के अंदर 4 पॉइंट में काफ़ी अच्छे खासे मानता हूं, क्योंकि यहां पर भी हर प्लेयर को मौका नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों हम टीम का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करें कैप्टन और उस कैप्टन के बारे में। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं बैठा पहले काफ़ी अच्छे कैप्टन के लिए, अभी दोस्तों ट्रिया टर्नर भी काफ़ी अच्छे है। दोस्तों जस्टिन टर्नर आपके लिए काफ़ी अच्छे कैप्टन के लिए मैंने इस टीम में इनको नहीं रखा है, बाकी कल आपको टीम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों स्नेल भी अपील काफ़ी अच्छे वॉइस कैप्टन के लिए, बाकी दोस्तों जो मेजोरिटी लेवल होगा वो टैटिस की तरफ जाएगा, लेकिन इनका परफॉर्मेंस है पिछले मैच में 0 पॉइंट से पिछले मैच में 8 पॉइंट है, इसलिए दोस्तों मैं इनको मैं ज़्यादा तो टीम से ड्रॉप कर दूँ, लेकिन दोस्तों काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है इसलिए मैंने इनको अपनी टीम से ड्रॉप नहीं किया है। बाकी टैटिस को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं वो भी बिना किसी टेंशन के। तो दोस्तों मैंने अपनी टीम में कैप्टन मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ट्रिया टर्नर को ट्राई किया और रोहित दोस्तों मैंने स्नेल को ट्राई किया है। बाकी दोस्तों आपके लिए टैटिस भी काफ़ी ठीक ठाक चॉइस है वॉइस कैप्टन के लिए, लेकिन आपको कैप्टन तो भूल के भी नहीं बनाना, बस आप वॉइस कैप्टन मना कर सकते हैं बनाने के लिए। बाकी दोस्तों अगर आपको बनाना ही है तो टैटिस को वॉइस कैप्टन लेके चल सकते हैं, बाकी कैप्टन तो आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है इस मैच में। बाकी इसको सेव कर देते हैं दोस्तों, हम टीम का प्रयोग करेंगे जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इस टीम में 3 आउटफील्डर, 4 इनफील्डर, 1 पिचर, 1 कैचर को उठाया है। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए जो मैंने आपके लिए मेहनत की है उसके लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो फाइनल टीम होगी उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।